ये बाहर का व्यक्तित्व जो है ये असली नहीं होता। असली जो भीतर का व्यक्तित्व है वो असली होता है। बाहर का व्यक्तित्व क्या है ये सामान्य बुद्धि समझ रहे हैं, कई बार बता चुका हूं, आपका रंग, आपका रूप, आपका कपड़ा, आपका बोल चाल, भाषा, ये सब बाहर का व्यक्तित्व है। कोई गोरा होगा, कोई काला होगा, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, कोई नाटा होगा, कोई लंबा होगा, कोई धोती पहनता है, कोई सूट पहनता है, कोई टाई पहनता है, जो भी है, ये आपका बाहर का स्वरूप है। इससे आदमी का पता नहीं चलता। आदमी का असली स्वरूप उसका अंतःकरण है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण, चतुष्टय कहते हैं दर्शन की भाषा में। उसका मन कैसा है, उसकी बुद्धि कैसी है, उसका चित्त कैसा है, उसका संस्कार कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। ठेठ भाषा में कहें तो बाहर से बहुत खूबसूरत देखने वाला आदमी, स्त्री या पुरुष, भीतर से बहुत बदसूरत हो सकता है, घोर तमोगुणी हो सकता है, देखने में दिव्य स्वरूप है लेकिन भीतर से घोर तमोगुणी हो सकता है, पशुवत हो सकता है। तमोगुणी का मतलब जिसकी चेतना का स्तर आहार, निद्रा, भय, मैथुन से ऊपर ना हो, ऐसा हो सकता है, या घोर रजोगुणी हो सकता है। कदाचित यह भी हो सकता है कि घोर सतोगुणी भी हो, ऊपर से सुंदर और उतना ही भीतर से भी सुंदर हो, कुछ कह नहीं सकते। ऊपर देख करके भीतर का अंदाजा नहीं लगेगा, क्योंकि आदमी जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। आदमी जो दूसरे को दिखाता है वो भी नहीं होता है और जो होता है वो दिखाता नहीं है। जितने बड़े बड़े ठग हैं, चोर हैं, आप मिलिए, वो कुरूप नहीं होंगे, देखने में सुंदर होंगे, सभ्य होंगे, अच्छा पहनेंगे, बात भी बहुत तरीके से सलीके से करेंगे, लेकिन मौका मिलेगा तो आपकी गर्दन भी उतार देंगे। तो ऊपर से सुंदर है तो भीतर भी सुंदर है, इसकी कोई गारंटी नहीं। ऊपर वाली जो सुंदरता है, ऊपर वाले सौंदर्य को कहते हैं आउटर पर्सनालिटी, बाह्य व्यक्तित्व। दुनिया इसी बाह्य व्यक्तित्व को देख करके मोहित हो जाती है। लोग एक दूसरे को ठगते रहते हैं, ठगाते रहते हैं, एक दूसरे को गाली देते रहते हैं, दोषारोपण करते रहते हैं। ठग लिया तो खुशी मना रहे हैं, ठगे गए तो दुखी हो रहे हैं। लेकिन अंतःकरण से जो खूबसूरत है, जो सत्वगुणी है, साधु है, सज्जन है, जिसके अंदर छल नहीं है, कपट नहीं है, बैर नहीं है, किसी भी प्राणी के लिए अमंगल करने का भाव नहीं है, शुद्ध सत्व में प्रतिष्ठित है, वही उसका असली व्यक्तित्व है। तो संसार तो बाह्य व्यक्तित्व देखता है, लेकिन संत, गुरु और भगवान आपके बाह्य व्यक्तित्व से प्रभावित नहीं होते कि आपके पास कितना धन है, कितना ऐश्वर्य है, कैसा बड़ा पद है। इसके पीछे दुनिया नाचती है, दुनिया डोलेगी, लेकिन सही में जो संत होगा, सच्चा गुरु होगा और भगवान, ये आपके भीतर अंतःकरण को देखते हैं कि उसकी चेतना कैसी है, उसका क्या स्तर है, वो तमोगुणी है, रजोगुणी है, सतोगुणी है। नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे, पूर्व DGP बिहार। आप जानते हैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद मैं सनातन की सेवा कर रहा हूँ। मेरा अनुरोध है आप मुझे फॉलो करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मेरी बात पहुँच सके।